अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू नदर व्लॉग। तो आज है फ्राइडे, हम लोग ऐसे ही बैठे थे रूम में, तो आज कुछ ऐसी खास मसरूफियात नहीं है कि जो हमें बाहर जाना पड़े। या आपको पता है कि फ्राइडे को काफी काम भी होते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे पहले व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि मैंने बताया है कि फ्राइडे को वैसे छुट्टी होती है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जो वो दूसरे काम बहुत ज्यादा होते हैं। किसी दोस्त को मिलने होता है, कुछ लेना होता है, कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ ये वो, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही बैठे थे रूम में, तो कहीं भी नहीं निकले। तो मामू जान जो हैं वो मेरे, वो गए हैं काम पर, तो हमने सोचा चलो यार थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। और हम लोग जो है ना वो आबद भाई से आज बातें करने लगे हैं कुछ फनी सी, और ये फनी किस्से जो है ना वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिए जरूर। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं और आबद भाई से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सुनाने वाले हैं और क्या बातें करने वाले हैं। जी आबद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, तमाम दोस्तों बुजुर्गों। सर देखो ये फलक भाई के ख्वाहिश पर बस थोड़ा मौज मस्ती है, और क्या है प्रदेश में और कुछ बिल्कुल ऐसे ही हमने सोचा यार चलो छुट्टी है थोड़ा भी ये चीजें शेयर की जाए। अच्छा आज मैं आपको सुनाता हूँ, अभी सर्दी है ना हमारे पाकिस्तान में, तो बहुत सर्दी पड़ रही है इधर, तो मौसम इतना ठंडा नहीं है। हमारे यहाँ वो ट्रैक्टर होता है ना जिसको निकाल के जमीन में हल लगाते हैं, तो सुबह सुबह उसमें बहुत सी आइस गिरी होती है, ठंड होती है, तो स्टार्ट कैसे उसको करते हैं, तो उसकी आवाज कैसी होती है, फिर एक आदमी को बुलाते हैं, फिर वो उसका ट्रैक्टर आगे लगाकर फिर उसको धक्का लगाकर कैसे, पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा जी, अभी एक आदमी उठा ट्रैक्टर के ऊपर, बहुत ठंड है, कपड़ा छपड़ा मारा जहाँ सभी उसको साफ किया, अभी बैठे हैं स्टार्ट करते हैं, तो कैसी उसकी आवाज आती है। अच्छा वो चाबी लगाते हैं, करता है फिर लगाते हैं। फिर उसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर करते हैं। फिर उसको साफ करके फिर लगाते फिर एक आदमी बुलाते उसको आगे ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर आपको भी दिखाना है, मुझे मजा आ रहा है, आगे से आगे से बुलाते हैं फिर जल्दी से। क्या बात है, ये ज्यादातर इन्होंने मेरी पेट के ऊपर नजर रखी है, ये वैसा ऐसा होता है। मोदी साहब है ना वो पाकिस्तान में पहले माशाल्लाह इमामत भी की है उन लोगों ने, तो इन्होंने इमामत भी की है, तो पाकिस्तान में पता है ना मौली साहब जो वो काफी ज्यादा हलवा वगैरह ऐसा, तो इनका जो है ना वो सिस्टम थोड़ा बाहर था, तो अभी जब वो करते हैं तो आगे पीछे जो है ना पुशिंग करता है इनको। तो अच्छा मौली साहब और भी सुनाए हमें कुछ। तो जी अभी एक और बात जो है ना वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मौली साहब हमें सुनाएंगे अभी वो बिल्ली और बिल्ले की, क्या थी वो बिल्ली और बिल्ले की आवाजें सुनाएंगे कि वो एक दूसरे से आपस में कैसे झगड़ते हैं, और कुछ हड्डी वगैरह जो होती है या आप गोश्त का टुकड़ा कह लें, तो वो आपस में कैसे झगड़ते हैं उस गोश्त के टुकड़े के लिए। तो मौली साहब सुनाइएगा प्लीज, आप दी तो हड्डी बड़ी मेहरबानी। जी जी, वो जब बिल्ली होती है ना उसके पास एक गोश्त का टुकड़ा होता है, ऊपर से आ जाता बिल्ला, तो बिल्ली कैसे बोलती है, फिर बिल्ला कैसा बोलता है, फिर आपस में लड़ाई करते हैं तो कैसी आवाज निकलती है। अभी बिल्ला आ रहा है बिल्ली के पास है, बिल्ला बोल, बिल्ली बोलती है, बिल्ला आ जाता है, वो बोलता है वाओ 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 वाओ, बिल्ली करती है। तो ये थी जी मौली साहब की कुछ फनी बातें, ठीक है, जो एक दो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। वैसे तो मौली साहब के पास बहुत सारी बातें हैं, ठीक है जी। अभी ऐसे ही हम लोगों ने डेरा लगाया हुआ है और बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, अदनान साहब हैं, वो रियासत साहब हैं, और वन एंड ओनली मौलवी आबद साहब, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बातें जो है ना वो शेयर की जाए। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
अगर करने में आ जाए तो ये पूरी रात जो है ना वो खत्म हो जाएगी और मौलवी साहब की बातें खत्म नहीं होंगी। तो एक शॉर्ट सी वीडियो हम लोगों ने आपको बना के दी है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, रब रखा। मौलवी साहब चैनल को क्या करें, लाइक और शेयर करना ना भूले। नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वो कर दे, वो जो है ना नहीं 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 बोलो ना क्या करें। सब्सक्राइब यार जो भी है कर दे। नहीं नहीं करे ना, बोलो ना एक बार सब्सक्राइब कर। अदनान साहब भी बोलेंगे। नहीं हम नहीं बोलेंगे। अच्छा तो बोलोगे यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब करें रोम तो खुदा हाफिज।